देखिए बॉडी सिस्टम में हमने कल सारे ज्वाइंट्स आप लोगों को बता दिए, तब हम बता रहे हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र, जो हमारे बॉडी का पूरा वो कंकाल होता है ना, स्केलेटल होता है। देखा ना आपने, हड्डी हड्डी केवल आपको दिखेगी। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आप लोग को सर्कल करके दिखा देता हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज बोन्स एंड कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम मतलब कि हमारे पूरे बॉडी पर से सारी की सारी चमड़ी हटा दो, स्किन हटा दो, जितना भी मांस है ना, ये जो मसल है सब कुछ हटा दो, तो क्या बॉडी में क्या बच जाएगा? हड्डी तो बच जाएगी ना, बोन्स, पूरा कंकाल बच जाएगा हमारे बॉडी का, जिसको नहीं कहते भूत आया लेकिन रहते हैं छोटे बच्चे, तो कंकाल ही तो रह जाएगा। और आपको पता है कि जैसे दो हड्डियां एक जगह पे या दो बोन्स एक जगह जुड़ती है तो क्यों जुड़ती है, कौन से मटेरियल के कारण जुड़ती है, बताओ कोई? देविता, दो बोन्स एक जगह कैसे जुड़ जाती है, किस कारण से? तो मटेरियल क्या भरा होता है उसके अंदर जो पकड़ के रखता है? कार्टिलेज, गधों, अंडे हो सारे, सारे के सारे अंडे हैं। पलट के देखे नहीं होंगे घर पे नमूनों, तो स्केलेटल सिस्टम दो चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है? पहला तो होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज, ठीक है? दो चीजों से मिलके बना होता है। पूरे कंकाल में या स्केलेटल सिस्टम में बोन ही तो होता है, लेकिन बोन जुड़ता किस चीज से है? कार्टिलेज से, इस कार्टिलेज। तो पूरा स्केलेटल सिस्टम में क्या दो चीज आएगा तुम बताओ? बोन्स और कार्टिलेज, समझ में आ रहा है? बोन मेरे दूसरी चीज में बताऊं, हाँ देख लो। स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज बोन्स एंड कार्टिलेज। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी इज एन एनिमल इज कॉल्ड अ स्केलेटन। हमारा पूरा का पूरा बोन और कार्टिलेज मिल करके एक फ्रेम बनाता है। जैसे बेटा मान लो बेड या सोफा बनाना होता है, तो जो बढ़ई होगा या कारपेंटर एक पहले फ्रेम बनाता है ना, या दरवाजा जब या डोर बनाएगा, जब घर का लकड़ी का जब दरवाजा बनता है तो पहले फ्रेम तैयार होता है, फिर उसके अंदर चीजों को लगाया जाता है। खिड़की बनाई जाती है तो ये देख रहे हैं ना, पहले एक बाहर का फ्रेम बनेगा, उसके बाद ग्रिल डंडियां लगाई जाती है। तो उसी तरह हमारे पूरे बॉडी का फ्रेम क्या होता है? स्केलेटल होता है, ठीक है? जितना तुमको आता है कर लो, जो नहीं आएगा लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? तो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ये एकदम याद अंडरलाइन करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। तुम क्या करोगे, तुम क्या निकाल दे, जो तुम लोगों को कुछ है ही नहीं तो बैठो ना आराम से, जिनके पास बुक है वो करेंगे ना। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है? तो हमारे बॉडी का ऐसा बोन्स और कार्टिलेज का सिस्टम जो पूरे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है, उसी को स्केलेटल कहते हैं। मैं ये सुनूंगा, याद करवाऊंगा आप लोगों से। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड कार्टिलेज। इंसान, ए सुन, पूरी बुक पढ़, जो वर्ड लास्ट में पूछिए एक बार, पूरा चैप्टर पढ़ो, अंडरलाइन करो, पेंसिल है पेन तेरे पास? पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां होती, 206, ठीक है? और साथ साथ कार्टिलेज तो होता ही। वाइल बोन्स आर हार्ड, कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक। बोन्स तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है ना, जो हड्डियों के बीच में होता है, वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला होता है, रबड़ के जैसा होता है, ठीक है? बीच में मत बोला करो प्लीज। कार्टिलेज इज फाउंड बिटवीन ज्वाइंट्स एंड इन सम इलास्टिक ऑर्गन्स लाइक ईयर लॉब्स एंड नोज। ये तो ज्वाइंट्स जहां होती है तो वहां कार्टिलेज पाया जाएगा, नहीं तो हमारे नोज, नहीं तो कान में। ये देख रहे हैं ना, कान के अंदर ये जो दिख रही है, ये मांस नहीं है,
ये मांस नहीं है, ये सॉफ्ट हड्डी है ना, तो सॉफ्ट बोन्स भी जो होते हैं हमारी, ये नोज वाला जो ये आगे का हिस्सा है ये वाला है ना, ये भी मसल नहीं है, ये कार्टिलेज है, मतलब कि सॉफ्ट बोन, ठीक है ना। तो हमारे नोज और ईयर में जो ये लॉब बनी होती है ये कार्टिलेज की बनी होती है, बोन्स नहीं होती, ठीक है। और हमारे सारे ज्वाइंट्स के अंदर तो होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बनाना, बनाने का, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम क्या होता है, हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स और कार्टिलेज होती है। हमारे ये कार्टिलेज रहता कहाँ है, तो बोन्स के जो ज्वाइंट्स होती है, एक ज्वाइंट जहां जोड़ होता है वहां पे दो हड्डी मिलती है ना, तो वहीं पर ये कार्टिलेज होता है, एक तो वहां सारे ज्वाइंट्स में कार्टिलेज होता है, और कहाँ होता है, हमारे ईयर और नोज, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटल कंप्राइजेस द स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, बोन इन आर्म्स एंड लेग, शोल्डर बोन एंड हिप बोन। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो शोल्डर बोन कहाँ होता है, कंधों के पास बोन होता है, ठीक है, ये वाला जो हड्डी होता है। हमारा जो स्कल होता है वो बोन कहाँ है, ये जो खोपड़ी हमारी होती है ऊपर वाली ना, इसको स्कल कहते हैं। कॉलर बोन कहाँ होती है, जो गले के पास होती है यहाँ पर, है ना, कॉलर बोन। और इसका ब्रेस्ट बोन कहाँ होती है, जो हमारे दोनों छातियों के पास जो होती है ना, ये वाली होती है, ठीक है। और रिब केज क्या होता है, जो पसलियां होती है ना, उसको रिब केज कहते हैं। मैं फोटो में यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है ना, यहाँ फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है रिब केज, ये है ब्रेस्ट बोन, ये है कॉलर बोन जो कि गले की हड्डी के नीचे लगा होता है, शोल्डर बोन दोनों साइड में होते हैं, और स्कल यहाँ खोपड़ी पे होता है, ठीक है। स्पाइन हमारी जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी होती है ना, पीछे वाली लंबी सी, उसको स्पाइन कहते हैं, ठीक है। हिप बोन हमारे जो कूल्हे होते हैं ना पीछे वाले, उसकी जो हड्डी होती है उसको हिप बोन कहते हैं। और जो जांग की हड्डी होती है, फीमर, हमारी थाई है ना, थाई बोन, उसको फीमर कहते हैं। फीमर के बारे में सुन लो, ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। मानव शरीर का सबसे लंबा बोन कौन सा होता है, फीमर, क्या होता है, फीमर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलो मैं और बता दूं आपको, उसके बाद हील बोन, हमारे जो पाओ की हील होती है ना एड़ी, वहां पर भी बोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सारे बोन्स होते हैं। अब फास्ट फैक्ट्स लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ, ठीक है ना। देखिए अब सोचो कि हमें अपने हड्डी का, ऊपर तो मांस है पूरा, स्किन भी है, तो हमें अपने हड्डी का पता कैसे चलता है बोन्स का, एक्सरे मशीन के द्वारा। एक्सरे कराते हैं ना, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करा लो, है ना, लग रहा है कि लड्डू का टांग टूट गया। तो उसमें एक्सरे मशीन जो होती है उसमें हमको अपने अंदर के बॉडी का सारा साइज का पता चल जाता है। अब हम एक एक करके सारे हड्डियों के बारे में देखें, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्कल की, जो हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है, और मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बना के भी वीडियो में दिखा दूं। हम लोग अपना कर रहे हैं ज्वाइंट्स और बोन्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं। तो मैंने दो तीन बोन्स का पिक्चर बना दिया आप लोग के लिए, जैसे कि बेटा पहले आपको दिख रहा होगा ये मैंने बनाया स्कल, ठीक है, दिख रहा है खोपड़ी। तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, हमारे खोपड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको तो कहते हैं क्रेनियम, लिखा है ना मैंने क्रेनियम कहते हैं। और इसमें और क्या होता है, फेसिकल बोन, मतलब कि ये गाल की हड्डी हो जाएगी, हमारे सामने वाली हड्डी होती है, ठीक है, ये फोरहेड मतलब आगे माथे वाली हड्डी होती है, ये सारी उसमें बोन्स मिली होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक ऊपर वाला, ये जो दांत बीच में दिख रहे हैं, टीथ जी दिख रही है, ये टीथ है। तो टीथ के ऊपर वाले हिस्से को अपर जॉ कहते हैं, ऊपरी जबड़ा, और निचले वाले को लोअर जॉ, मतलब कि निचला जबड़ा, ठीक है। आगे देखिए, और
अब अगर हम बैक बोन की बात करें, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, तो वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। और इसमें है ना ऐसे ऐसे घेरे बने होते हैं, कड़ी जैसी, रिंग रिंग जैसा बना होता है। तो उन रिंग्स को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक पाइप जैसी चीज जाती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब ये आपको दिख रहा होगा, जो हमारी पसलियां होती है ना, ये यहाँ छाती के पास पूरी ऐसे ऐसे जालीदार जो हड्डी पूरी होती है। तो एक एक हड्डी को रिब कहते हैं, और इसके जुड़ने से एक पिंजड़े जैसा चीज बन जाता है, जिसको कि रिब केज कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, ये मेन चीज था, और बोन्स तो आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको मैंने वीडियो बनाया। अब आगे देखिए, अब मैं स्कल से लेके सारे बोन्स के बारे में डीपली आप लोगों को बताता हूँ। तो स्कल में जो सबसे ऊपरी हड्डी होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, वो क्या होता है? वो होता है हमारा क्रेनियम। उसके बाद फेसिकल बोन्स, इसमें फेशियल बोन्स में वो होते हैं जो हमारे चेहरे की हड्डी को बनाते हैं। हमारे चेहरे पे हड्डी तो होती है ना, तो वो हड्डी क्या होती है? एक अपर जॉ, मतलब जबड़े, दांतों के ऊपर का हिस्सा, जिसको अपर जॉ या ऊपरी जबड़ा कहते हैं, और निचला जॉ, लोअर जॉ, मतलब निचला जबड़ा कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बैक बोन, बैक बोन मतलब कि हमारे रीढ़ की हड्डी। तुम कर रहे हो कुछ है? अरे वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा है कर, जो नहीं आता, ठीक है। तो बैक बोन, बैक बोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी। हो गया, इंग्लिश का निकालो, वो रीड करो। बैक बोन, बैक बोन क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें क्या होता है? द बैक बोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी पीछे की बैक बोन की, वो हमारे है ना खोपड़ी, मतलब स्कल है ना पिछला हिस्सा, यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने बनाया है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, यहाँ बोर्ड पे देखना, ठीक है। और वो नीचे तक जाती है, हिप तक हमारे, ठीक है, कुल्हों तक जाती है। इसमें 33 छोटे छोटे उसमें रिंग्स होते हैं, जिनको कि वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। रिब, रिब मतलब पसली, जो हमारे छाती के पास जो हड्डी होती है उसके मिलने से बनता है, इसलिए उसको बेटा केज कहते हैं। एक एक हड्डी को रिब कहेंगे। दीज आर ज्वाइंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ हॉलो बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जब एक के साथ जुड़ जाते हैं बैकबोन में, सारे वर्टिब्रल होते हैं ना रिंग्स, एक साथ जुड़ जाती है, तो केज जैसा, मतलब कि पिंजड़े जैसा चीज बन जाता है। और द स्पाइनल कॉर्ड पासेज थ्रू दिस स्ट्रक्चर। और स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था ना, ये जो बीच में पाइप पतली एक लाइन खींची है मैंने, वो इनके बीच से इस पिंजड़े या जाली के अंदर से क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये जाली जो होती है ना रीढ़ की हड्डी की, जो चारों तरफ रिंग रिंग से बने होते हैं, और बीच में वो पाइप होता है, ये रिंग इसीलिए बनी होती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को चोट ना लगे। अगर उसको कहीं से भी बाहर से चोट लग जाएगा ना, तो आप कोमा में चले जाएंगे, आपका बिल्कुल मर ही जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वो होता है। दस बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम कौन करता है? बैकबोन। बैकबोन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम करता है। द ज्वाइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट इन द वर्टिब्रा, दिस इज वाई वन कैन बेंड और ट्विस्ट हिज और हर बैक बैक। अब ये क्या होता है, जो जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, मैंने बताया ना अलग अलग छोटे 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 रिंग होते हैं, तो हर जगह से आप रीढ़ की हड्डी को ऐसे पीठ मोड़ सकते हो ना, झुक सकते हो, सीधे खड़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे ज्वाइंट्स होते हैं इसमें, 33 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, अलग अलग हिस्सों पे आप मुड़ सकते हो। बात समझ रहे हो? समझ में आया? रीढ़ की हड्डी कोई ऐसी सीधी हाथ की हड्डी, खड़ी जैसी हड्डी नहीं होती, उसमें रिंग रिंग जैसे लगे होते हैं, हर जगह एक बैंड होता है, बस मेरे, जिससे कि हम झुकाओ मोड़, माने ज्वाइंट होता है, सॉरी जोड़, हर जगह एक जोड़ होता है, बस मेरे। अब रिब केज और चेस्ट बोन, हमारी छाती की हड्डी या रिब केज क्या होता है?
मैंने बनाया है ना, आपके बुक में भी है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो द चेस्ट बोन फ्रॉम अ कोन शेप्ड बोनी बॉक्स कॉल्ड रिब केज। इसमें देखते हो ना कि एक पिंजड़े जैसा पूरा बना हुआ है, ठीक है, और जिसमें सारी रिब आकर के मिल रही है, सारी हड्डियां, और एक पिंजड़ा बन जा रहा है, इसी को रिब केज कहते हैं। द इलिप्टिकल बोन ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स। इसमें जो ऐसे ऐसे ना रिंग जैसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कर्व जैसे बने हुए हड्डियां हैं, वहां पर दिख रही हैं आपको, ठीक है, या बुक में भी दिख रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिब्स। रिब केज किन से बना होता है, जिन हड्डियों से बना होता है उनको क्या कहते हैं, रिब्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आगे देखो, तो 12 pairs ऑफ रिब्स कर्व अराउंड द साइड। इसमें कितने जोड़ी हड्डियां होती हैं रिब्स, रिब केज यहां देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये जो बना हुआ है, इसमें तो मैंने कम बनाया, तो 12 जोड़ी ऐसी हड्डियां होती हैं। कितनी पेयर्स, 12, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, जिससे मिलकर पूरा का पूरा हमारा रिब केज बनता है, ठीक है। रिब्स आर अटैच टू द साइड्स ऑफ ईच वर्टिब्रल एट द बैक। 10 pairs ऑफ दीज रिब्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट। 2 रिब्स इन द फ्रंट आर फ्री, दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। देखो, इसमें 12 जोड़ी जो हड्डियां होती है ना, उसमें 10 जोड़ी तो पीछे जा करके हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी से जाके पीछे जुड़ जाती है, तो एक पूरा वेल्डिंग टाइप का हो जाता है, जिससे पूरा रिब केज बन जाता है। 2 जोड़ी जो हड्डी है ना, 2 हड्डियां वो नहीं जुड़ती, वो बैकबोन से नहीं जुड़ती, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। बता रहे हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, उसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। दी द रिब कैज प्रोटेक्ट द लंग एंड हार्ट, ठीक है, क्योंकि बेटा वो ज्वाइन नहीं होती ना, इसीलिए उसको फ्लोटिंग कहते हैं बस, ठीक है, बैकबोन में ज्वाइन नहीं होती। अब देखो, रिब केज जो है इसका काम क्या है, हमारे शरीर में चेस्ट बोन या जो छाती वाली हड्डी वो क्या करती है, हमारे फेफड़ों को, मतलब लंग्स को, हमारे हार्ट को, है ना, इन सबों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नहीं तो कोई भी मुक्का मारेगा, सीधे जाके वहां गिरेंगे, सीधे हार्ट पे चोट लगेगी, हम मर जाएंगे, लंग्स पे चोट लगेगी, हम मर सकते हैं, तो वो हड्डी हमको उससे बचाती है। बात समझ आ रही है, आगे देखिए। शोल्डर बोन, हमारे कंधे की हड्डी, वो क्या करती है, वीडियो में बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, जरूर घर पे देखना, क्योंकि वीडियो में यह दिखा रहा हूँ सब बच्चों को, है ना, इसमें पिक्चर भी, ये देखिए शोल्डर बोन है, मैंने सर्कल कर दिया। शोल्डर बोन्स, द शोल्डर बोन्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन और कैल्विक एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक। इसमें देखो, शोल्डर बोन जो होता है, 2 चीजों के मिलने से बना होता है, 2 हड्डी होती है ना, तभी तो जुड़ के कोई जोड़ बनाएगी, है ना, तो एक होता है कॉलर बोन, ठीक है, और दूसरा होता है शोल्डर ब्लेड, ठीक है। शोल्डर ब्लेड जब कॉलर बोन से जाके जुड़ जाता है, तो वो ज्वाइंट जो बनता है उसी को शोल्डर बोन कहते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड अपर बोन ऑफ द आर्म। ये हमारी छाती के ऊपरी हिस्से को, हमारा रिब केज है ना, उसके ऊपरी हिस्से को कंधे से जोड़ता है, और साथ ही साथ ये ऊपरी हाथ को भी, ये हाथ का ये हिस्सा ऊपरी आर्म को भी, अपर आर्म को भी, और साथ ही साथ ये छाती का ऊपरी हिस्से को भी कंधे वाला हड्डी जोड़ता है। तो शोल्डर बोन या कंधे की हड्डी किसको जोड़ती है, चेस्ट बोन या रिब केज के ऊपरी हिस्से को, और हैंड या आर्म के भी ऊपरी हिस्से को, ठीक है। क्या टूट जाएगा तो हाथ नहीं हिल पाएगा भाई, ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग, है ना, हाथ नहीं हिलेगा, ऐसे करते रहो पत्ते की तरह, अच्छा लगेगा क्या। अब देखो, हीप और पेल्विक बोन क्या होता है, देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, आप लोग को वीडियो में दिखेगा कि हीप और पेल्विक बोन क्या होता है, मतलब कूल्हे की हड्डी, ठीक है। द हीप्स बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स।
ही बोन्स में तीन तरह की हड्डियों के मिलने से बना होता है, समझ में आ रही हो? द हिप बोन टूगेदर विद द हिप एंड द टेल पार्ट ऑफ द बैक बोन फ्रॉम अ लार्ज बोनी बाउल कॉल्ड पेल्विक और पेल्विक ग्रिडल। देखो हमारे जो बैकबोन की जो सबसे निचली हिस्से निचला हिस्सा होता है ना, ये सबसे निचला हिस्सा एक चोंच जैसी होती है, ठीक है ये। और साथ ही साथ हमारे हिप जो दोनों तरफ के कुल्हे की हड्डी होती है वो और ये चोंच, ये एक साथ जब जुड़ते हैं तो पेल्विक बोन बनती है, ठीक है। दिस इज, अब ये देखो बेटा पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो बीच वाला मैंने सर्कल किया, ये तो आपका बैकबोन का निचला चोंच है, ये देख रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा। और ये एक तो एक हिप तो ये हो गया इधर वाला, और एक हिप ये हो गया इधर वाला, ये तो फिर ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, पेल्विक बोन से हिप बनाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। दिस इज अ पार्ट यू सिट ऑन, यही वो हिस्सा है जिससे हम बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि हिप ही नहीं रहेगा तो बैठेंगे कैसे, और खड़े कितने देर रहेंगे, घोड़े तो है नहीं। The thigh bones are attached to either side of the griddle with the ball and socket joint. अभी जो hip bone है या pelvic griddle bone से, इसे देखो क्या क्या चीज जुड़ी होती है। एक तो दोनों तरफ की कुल्हे की हड्डी जो होती है वो backbone की जो सबसे निचली चोंच होती है ना टिप, उससे जुड़ी होती है, और साथ ही साथ दोनों जांग की हड्डी भी जाकर के यहाँ पर जुड़ जाती है, ठीक है, जिससे कि क्या जांग जांग थाई की हड्डी, तभी तो हमको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है ना, समझ रहे। और जब थाई की जो बोन है, जांघों की जो हड्डी है, जब कुल्हे की हड्डी या पेल्विक या हिप बोन से जब ज्वाइंट होती है तो किस कौन सा ज्वाइंट कहा जाता है उसको बताओ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए आर्म एंड हैंड बोन, हाथ वाली हड्डी क्या होती है ये देखते हैं। ये बेटा मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूं, देखो देखो। अब मैं आर्म एंड हैंड बोन के बारे में आपको बता रहा हूं, देखो पहले इसको, ये हमारा है जो ऊपर वाले हाथ की हड्डी होती है ना, ये वाले हाथ की जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक देख रहे हैं ना, ये वाला कंधे से लेकर के यहाँ एल्बो तक, इसको तो कहते हैं ह्यूमरस, ये वाली हड्डी ह्यूमरस कहलाती है। अब ये वाली जो हड्डी है ना ऊपर वाली, नीचे वाली जो हाथ की हड्डी हो जाती है उसको तो कहते हैं रेडियस, जाओ दादी आई तुम्हारी, और नीचे वाले हड्डी को कहते हैं उल्ना, ठीक है। नीचे वाले हड्डी को कहते हैं उल्ना, ऊपर वाले को रेडियस, और सबसे ऊपर वाले हिस्से को ह्यूमरस, ठीक है। अब लेग बोन मतलब कि पांव की हड्डी की बात करें तो तीन हड्डियां होती हैं। सबसे ऊपर जो होता है हमारे घुटने तक, यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा होता है वो होता है फीमर, और थाई बोन मतलब जांग की हड्डी। जांग से नीचे आओगे तो लेफ्ट वाला है ना, इधर वाली जो हड्डी होती है पतली वाली, इसको कहते हैं फ्यूबुला, और इधर वाली जो मोटी हड्डी होती है इसको कहते हैं ट्यूबुला, फ्यूबुला और ट्यूबुला। तो इस तरह से पांव में तीन हड्डी हो गई और हैंड में भी तीन हड्डी हो गई, ठीक है। आपको यहाँ नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख लेना।